कराची में कायदे आज़म बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की जानिब से मिस्टर एंड जूनियर मिस्टर पाकिस्तान और मॉडल फिजिक्स के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सुहैल आबिदी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और MQM के रहनुमा रेहान हाशमी ने भी खुसूसी शिरकत की। इस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट सुहैल आबिदी का कहना था कि रमजान खान जो खुसूसन तारीफ़ के काबिल हैं, क्योंकि इससे कबल भी इनके प्रोग्राम से मैं शरीक रहा हूँ। आज का ये प्रोग्राम तो आप यकीन करेंगे हर शख्स महसूस हो रहा है। खैर मैं तो अब उस उम्र से निकल गया, वरना आज अगर मैं भी नौजवान होता तो शायद इनको देख के मुझे ये शौक़ पैदा होता कि मैं भी अपनी बॉडी को इतनी बेहतर और बेहतरीन बनाऊँ। खुसूसन इमरान आपको और शारिक को देख के मुझे और ज़्यादा खुशी हुई कि आपने डिफरेंट शानजे स्टूडियो आपने बड़ा बेहतरीन चलाया। अब आप ये मीडिया कंसर्न और दीगर भी मुझे मीडिया वाले नज़र आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप जिस फील्ड में भी जाते हैं उसको चार चांद लगा देते हैं। देखें, मौजूदा दौर में ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जो टैलेंट है और कराची में जो जिस तरह के नौजवान हैं और खेलों के फ़रोग के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, ये इवेंट्स बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। नौजवानों को वो वसाइल और वो फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी कराची का चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, हमेशा से कलीदी किरदार अदा करता रहा है। लेकिन कराची के नौजवानों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, उस पर हम बार बार ये कहते आ रहे हैं कि कराची को उसका हक़ मिलना चाहिए। कराची के नौजवान चाहे वो किसी भी ज़ुबान के हों, कौम के हों, लिसान के हों, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी पूरे पाकिस्तान में मिलनी चाहिए। पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। जो जूनियर और सीनियर्स की जो बात है, मिस्टर पाकिस्तान और जूनियर, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, हेल्थी एक्टिविटी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पर, और रमज़ान भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि सबको लेकर अपने साथ चलते हैं और ज़िंदा रखा उन्होंने बॉडी बिल्डिंग को, ज़िंदा रखा हुआ है। और ये स्पोर्ट्स में जितने लोग आएंगे लाजमी है, नए जो न्यू जनरेशन है, इनको हेल्थ मिलेगी, इनको सेहत मिलेगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है मेरे हिसाब से। कि हम स्पोर्ट्स मैंने शुरू से स्पोर्ट्स करा रहे हैं, तकरीबन 15-20 साल 25 साल होगा मैं स्पोर्ट्स में है। तकरीबन हम पहले मार्शल आर्ट में था, मैं अब बॉडी बिल्डिंग में भी आ गया हूँ। लेकिन बॉडी बिल्डिंग या मार्शल आर्ट कुछ ऐसी चीज़ें, हमारा मकसद सिर्फ हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना है। अब कराची में तकरीबन 6000 जिम बन गए हैं। अब 6000 एक फेडरेशन तो लेके नहीं चल सकती, तो मुख्तलिफ फेडरेशनें बन रही हैं। फेडरेशनें नहीं बनने का मकसद ही यही है कि जो एथलीट बहुत ज़्यादा हो गया है और वो चाहता है कि मैं अपने आप को शो करूं, मैं कुछ परफॉर्म करूं, मगर उसको कोई प्लेस नहीं मिल रहा। मकसद सबका एक है कि हेल्दी एक्टिविटी को प्रमोट करना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, तो वो माशाल्लाह से सब कर रहे हैं। जी, मैं एशियन चैम्पियनशिप थी मिक्स मार्शल आर्ट की, मैं किर्गिस्तान गया था। वहाँ पर हमारी 5 एथलीट ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 3 विन हुए, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। कैमरामैन सईद के साथ इमरान अली, मेगा न्यूज़, कराची।